हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज के इस वीडियो में मैं रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज कैंडी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। सीरीज में लीड कैरेक्टर में है ऋचा चड्ढा और रोहित रॉय। वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस सीरीज के दो एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हिल स्टेशन दिखाया जाता है, जहां बोर्ड पर एक वार्निंग लिखी होती है कि फ्रोजन लेक अहेड। और फिर हमें किसी के खून से सने पैरों के निशान दिखाए जाते हैं। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो फ्रोजन लेक में फंसा होता है, जो सोच रहा था कि वो दुनिया के सामने सच को लाएगा, लेकिन अब लगता है कि उसकी मौत के साथ वो सच भी खत्म हो जाएगा। और रुद्र और उनके लोगों का डर बिल्कुल सही था कि घने पहाड़ों में कोई हैवान रहता है और उसका सच आज इसके साथ खत्म हो जाएगा। अब सीन कट होता है और हमें एक महीने पहले का सीन बताया जाता है, जहां दो पुलिस ऑफिसर एक क्राइम सीन पर जा रहे होते हैं, जिनमें डीएसपी रत्ना और आत्माराम होते हैं। जहां रत्ना आत्माराम से कहती है कि 4 साल हो गए हैं, ना तो उन्होंने आपको प्रमोशन देखा है और ना ही मसान को। अब वो एक लड़की की लाश एक पेड़ पर लटके हुए देखते हैं और कहते हैं कि इसको किसने पेड़ पर लटका कर मारा होगा, क्या ये मसान का काम है या फिर किसी इंसान का। फिर रुद्रवेली स्कूल में मेहुल अवस्थी के लिए उसकी माँ का कॉल आता है, पर आवाज देने पर वो नहीं आता। कुछ देर बाद प्रिंसिपल थॉमस बच्चों को बताते हैं कि जंगल में पुलिस को स्कूल के एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, पर कन्फर्म नहीं है कि वो किसकी बॉडी है। तभी एक लड़की मेहुल अवस्थी को ढूंढती है और वो बताती है कि उसके क्लासमेट उसको बुली किया करते थे। और फिर प्रिंसिपल सारी क्लास उस दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और होप करते हैं कि वो मेहुल की लाश ना हो। अब हम देखते हैं जयंत को, जो अपनी वाइफ के साथ रुद्रकुंड में ड्राइव करता है और रोड पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार मिस बैलेंस हो जाती है और वो एक कटबोर्ड से टकरा जाते हैं। तब जयंत कार में से उसकी वाइफ को उतार कर धूल ले आते हैं, क्योंकि कार में ब्लास्ट भी हो सकता है। तब उसकी वाइफ कहती है कि कार में बिन्नी है, और तब जयंत कार में से एक पत्थर निकाल कर लाता है, जिसे उसकी वाइफ बिन्नी कहती है। तब दो पुलिस वाले वहां आते हैं और वो जयंत से कहते हैं कि रानावज्जी पूरे शहर पर राज करते हैं और तुमने उनकी होड़ी गिरा दी। और वो जैन से एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। तब जैन बताता है कि वो रुद्रवेली स्कूल में टीचर है। इस पर वो जैन को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब हम देखते हैं रानावत को, जिन्हें एक आदमी आकर उस लाश के बारे में बताता है कि वो जंगल में मिली, और कहते हैं कि मसान वापस आ गया है। अब पुलिस जयंत और उसकी वाइफ को जंगल में ले आती है और वो पुलिस वाला देखता है कि उसकी वाइफ एक पत्थर को चूम रही है। तब जैन बताता है कि वो उसकी बेटी है। अब रानावत जी वो वहाँ के विधायक भी होते हैं, वो अपने आदमी से कहते हैं कि आत्माराम से कहो कि उन्हें विधायक जी का फुल सपोर्ट रहेगा और अपने बेटे वायु को अपने पास भेजने को कहते हैं। इधर डीएसपी रत्ना प्रिंसिपल से पूछताछ करती हैं और तब जयंत को वहाँ लाया जाता है और वो पहचान जाता है कि वो मेहुल की बॉडी है। अब जयंत चिल्लाता हुआ मेहुल की बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब प्रिंसिपल बताते हैं कि वो मेहुल के मेंटर हैं। अब रत्ना स्कूल आती है और वो आत्माराम से कहती है कि जयंत इतना इमोशनल क्यों हो रहा था। तब वो बताता है कि वो कुछ ही समय पहले यहाँ आए हैं और कैंपस के क्वार्टर में ही रहते हैं। अब हम तीन लड़के संजय, इमरान और जॉन को देखते हैं, जो डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मेहुल भी पार्टी में था और वो कहते हैं कि कैंडी तो चोरी हो गई और अब वो कहाँ से लाएंगे। तब डीएसपी रत्ना जयंत के साथ वहाँ आती है और उनसे पूछताछ करती है और कहती है कि सारा स्कूल जानता है कि तुम लोग मेहुल को बुली करते थे। तब संजय बताता है कि लास्ट टाइम वो ड्रोन में थे और मेहुल भी वहीं सो रहा था। तब वो तीनों का लॉकर चेक करती है और मेहुल का लॉकर भी चेक करती है, जिसमें से कैंडी का पैकेट नीचे गिर जाता है। अब उन्हें वहाँ एक फोटो मिलती है जिसमें जयंत, मेहुल और उनके दोस्त काल की रावत होती है। इधर इमरान उस पैकेट को जेब में रख लेता है, पर रत्ना देख लेती है और वो पैकेट वापस मांग लेती है। वहीं एक सीन में हम देखते हैं कि रीतिका नाम की लड़की उस लड़की को बुली करती है, जो मेहुल की मौत की जिम्मेदार उन तीनों को कह रही थी। तब रीतिका उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखना। अब इमरान एक बनी मास्क पहने शख्स को कॉल करता है और वो बताता है कि जो कैंडी पैकेट खो गया था वो डीएसपी रत्ना को मिल गया है। अब डीएसपी रत्ना जैन से उन तीनों का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती है, जहां वो बताता है कि एक बार तीनों मेहुल को बुली कर रहे थे और तब कालकी ने उसे बचाया था और तभी उन्होंने इन तीनों लड़कों को देखा था और तब उन्होंने उन्हें पनिश भी किया था। अब ये लोग नरेश के घर पहुंचते हैं। अब उन्हें वहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है जिस पर ना उड़ रहा लिखा होता है, मतलब नरेश रावत, जो कालकी के फादर थे। तब वो उनसे कालकी के बारे में पूछते हैं तो वो गाली देकर कहता है कि होगी कहीं वो साली। इस पर जयंत उसे तमीज से बात करने को कहते हैं। तब वो अपने फेस का निशान दिखाता है और कालकी को इसका जिम्मेदार बताता है, पर सच्चाई कुछ और होती है फ्रेंड्स। दरअसल वो कालकी को मार रहा था और कालकी खुद को बचाने के लिए उसे नोच कर भागी थी। तब रत्ना उससे कहती है कि कालकी मिल जानी चाहिए, वरना अगली लाश उसकी मिलेगी। पर तब आत्माराम रानावत तक बात पहुंचा देता है कि बात अब फैल रही है। अब रानावत जी को पता चलता है कि काल की पुलिस को नहीं मिली और उनका बेटा वायु भी उनका जवाब नहीं दे रहा। अब हम रेबल क्लब का सीन देखते हैं, जहां एक पार्टी चल रही होती है।
जहां बनी मास्क वाला आदमी डीटे होता है। इधर रानावत जी को एक शू मिलता है जिस पर खून लगा होता है और तब नरेश कंफर्म करता है कि ये शू कालकी का ही है। इधर प्रिंसिपल जयंत को बताते हैं कि कालकी का शू लेक के पास मिला है, तो हो सकता है कि कालकी लेक में डूबकर मर गई हो, पर बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो कुछ कह नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि बनी मास्क वाला लड़का वायु रहता है और रानावत जी उसे कहते हैं कि अपना मास्क उतारो, तब वो मना कर देता है। इस पर रानावत जी उसे मारते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे पहले फोन किया था कि उन्हें कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, पर वो कहता है कि उसके इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। अब जब वायु अपनी वेन में आता है तो वहाँ रत्ना उसे दिखती है और वो उससे कहता है कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है, और तब रत्ना उसे किस करती है और उसे वो कैंडी का पैकेट दे देती है और कहती है कि अगली बार वो उसके बच्चों को नहीं बचाएगी, और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जयंत अपनी बीवी सोनल के पास जाता है जो सो रही होती है, तब वो उसे कॉल के बारे में सोचता है जो बिनी ने कभी किया ही नहीं था और उसे रिग्रेट होता है, और तब वो अपनी कार में सुसाइड अटेम्प्ट करता है, पर तब उसे कोई दिखता है और वो कार से बाहर आ जाता है और वो कोई नहीं कालकी होती है। वो कहती है कि उसने मेहुल को मार दिया है और अब वो उसे भी मार डालेगा। तब वो कहती है कि वो मसान है और वो बेहोश हो जाती है, और तब उसकी जेब से कैमरा गिरता है और फिर हम जंगल में एक डेमन दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हमें 4 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहां वायु लीना नाम की लड़की को उसके घर चलने को कहता है, पर लीना मना कर देती है, और तभी लीना के डेट का कॉल उससे आता है और वो उन्हें बताती है कि वो बस 10 मिनट में घर पहुंच जाएगी। तब वायु से कहता है कि बॉयफ्रेंड होने के नाते उसकी ड्यूटी है कि वो उसे सेफ घर तक पहुंचाए। तब लीना कहती है कि 2 बार डेट पर जाने से कोई रिलेशनशिप में नहीं आ जाता और वो अकेले ही अपने घर की ओर जाने लगती है, और उसे जंगल में वही डेमन दिखता है जिसे लोग मसान कहते हैं, और वो अपनी साइकिल छोड़कर भाग जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जयंत उस कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालता है और उसे कंप्यूटर में इंसर्ट करता है जहाँ उसे 3 वीडियो मिलते हैं। जब वो उसे प्ले करता है तो उसमें मेहुल का ऑपरेशन क्लीनअप का वीलॉग होता है जिसमें वो बताता है कि इस स्कूल के 3 सीनियर ड्रग लेते और बेचते हैं जो दिखने में कैंडी की तरह दिखते हैं, पर तभी कालकी उसे आगे रिकॉर्ड करने से रोक देती है। अब इधर रत्ना वायु की पार्टी का वीडियो देखती है और उधर जैन सेम वीडियो प्ले करता है जिसमें वो देखते हैं कि एक लड़की जबरदस्ती कालकी को वो कैंडी खिला देती है, और ये वीडियो यहीं एंड हो जाता है। तब रत्ना वायु से कहती है कि तू सारे शेर को नशेड़ी बनाएगा क्या, और वो कहती है जो 4 साल पहले लीना के साथ हुआ और जो आज मेहुल के साथ हुआ उसमें एक ही चीज कॉमन है और वो है वायु राणावत। थर्ड वीडियो में जैन देखते हैं कि मेहुल उसमें बताता है कि संजय, इमरान और जॉन को यहीं से कैंडी मिलती है जो वो सबको सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम नरेश को देखते हैं जो एक बॉक्स को जमीन में काटता है, पर तभी वहाँ आत्माराम आ जाता है और उसे लगता है कि नरेश गार्डनिंग कर रहा है। अब जयंत कालकी को अपने साथ ले आता है जहाँ सोनल कालकी को बिन्नी समझती है और वो पत्थर जयंत को जेब में डाल देती है। अब मेहुल के स्कूल में उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेहुल का पोस्टमार्टम होता है जहाँ उसकी बॉडी में से डॉक्टर एक चाकू निकालते हैं। इधर जयंत रत्ना को कॉल कर बताता है कि कल जो कैंडी उन्हें मिली थी उसमें ड्रग्स हैं। तब रत्ना ये सुनकर शौक हो जाती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। अब वो जयंत को डांट कर कॉल काट देती है। अब हम विधायक राणावत की कैंडी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ कैंडी में ड्रग्स मिलाया जा रहा था। अब इधर जॉन को ड्रग्स की तलब लगती है और वो कैंडी मांगता है। अब वो सब जयंत के पास जाते हैं जहाँ जयंत उन्हें बताता है कि उसे पता चल गया कि वो ड्रग्स देते और बेचते हैं, और तब वो उन्हें समझाते हैं कि अभी तुम्हारी पूरी लाइफ और करियर तुम्हारे सामने है, और तब वो रैबिट मास्क वाले आदमी के बारे में पूछते हैं पर वो नहीं बताते। तब जयंत उन्हें कुछ टाइम देता है सोचने के लिए। इधर इमरान वायु को मैसेज कर बता देता है कि जयंत को कैंडी के बारे में पता चल गया है। इधर कालकी जागने पर सोनल को उसके पास पाती है और सोनल उसे कम्फर्टेबल फील करवाती है। अब गाँव के लोग इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। अब इधर रत्ना नरेश को मारती है क्योंकि उसने मेहुल की बॉडी से निकले चाकू पर ना और रात देख लिया था जैसा कि नरेश की कुल्हाड़ी पर लिखा था, लेकिन नरेश वहां से भाग जाता है और एक नदी में कूद जाता है। अब इधर जयंत पुलिस स्टेशन में रत्ना का वेट कर रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि रत्ना नरेश को पकड़ने गई है। अब तभी रत्ना वहां आ जाती है और जयंत को वो पुलिस स्टेशन से जाने को कहती है। तब जयंत रत्ना को कैंडी के बारे में बताता है। तब रत्ना कहती है कि वो कैंडी तो राणावत जी की फैक्ट्री में बनती है और उसमें कोई ट्रस्ट नहीं होता। अब ये बात आत्माराम कॉल कर राणावत को बता देता है। अब हम देखते हैं कि मेहुल के पेरेंट्स को स्कूल में आते हुए प्रिंसिपल थॉमस उन्हें बताते हैं कि ये एक ऑनर किलिंग का केस है और कालकी के पिता ने मेहुल का मर्डर किया है। पर जयंत मेहुल के पिता से कहते हैं कि मेहुल एक ड्रग रैकेट को एक्सपोज करने वाला था, पर तभी प्रिंसिपल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि उनके स्कूल का ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। तब वहाँ राणावत आ जाता है और वो मेहुल के पिता से कहता है कि जल्दी पुलिस किलर को अरेस्ट कर लेगी। जब जयंत कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो उल्टा जयंत को कहते हैं कि शायद आपने अपोजिशन पार्टी से हाथ मिला लिया है। इधर सोनल कालकी की पट्टी करती है जिससे कालकी को अच्छा लगता है क्योंकि कालकी की किसी ने ऐसी केयर नहीं की थी क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके पिता उस पर बहुत जुल्म करते थे। और तभी जयंत वहाँ आ जाता है और कालकी उसे हक करती है। जयंत उसे बताता है कि पुलिस इस केस को ऑनर किलिंग का केस बना रही है। तब कालकी कहती है कि मेहुल को मसान ने मारा है।
तब जेम्स उस पार्टी के बारे में कालकी से पूछते हैं, तब वो बताती है कि मेहुल उनकी बुलिंग से परेशान हो चुका था और जब उसे उनके ड्रग रैकेट के बारे में पता चला तो वो उन्हें एक्सपोज करके स्कूल से निकलवाना चाहता था और वो उन्हें फॉलो करते हुए जंगल की एक पार्टी में चला गया था और मुझे उसकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं उसके पीछे चली गई, पर वहां हमें किसी ने फोर्सफुली कैंडी खिला दी और तब हम दोनों जंगल में चले आए। अब उस कैंडी का नशा हम पर कुछ चढ़ने लगा था और दोनों वहां इंटीमेट हो गए थे, पर तभी उसने मेहुल के पीछे किसी डेमन को देखा और उसने मेहुल को मार दिया और फिर उसके पीछे लगा। वो एक जगह छुप गई और जब वो चला गया तो तब वापस मेहुल के पास गई और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उसके आउट हाउस में छिप गई और वो जयंत को बताती है कि जो कैंडी खाकर जंगल में जाते हैं तो मसान उन पर अटैक कर देता है और जयंत को ये भी पता चलता है कि बनी मास्क वाला वायु राणावा थे जो विधायक का बेटा है। तब वो कहती है कि उसके पिता इनोसेंट है, तब जयंत नेट पर सर्च करता है। अब उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जो लीना के बारे में होता है। अब वो उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं और गिराज जाते हैं अपनी कार निकालने के लिए, पर उनकी कार का टायर निकला हुआ था। वो टायर वाला वायु का दोस्त होता है। तब जयंत उसे मारते हैं और टायर फिक्स करवाते हैं और जब वो वहां से निकलते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि एक कार उन्हें फॉलो कर रही है। अब वो कार एक पुल पर रुकती है जहां जयंत जाकर चेक करते हैं तो उस कार में कोई नहीं रहता, पर आवाज आने पर डिक्की में एक आदमी उन्हें बोरे में बंधा हुआ मिलता है। पर तभी दो मास्कमैन जयंत पर हमला करते हैं और वो कोई नहीं वायु और यूका होते हैं और उस बोरे में नरेश होता है और वो जयंत को मारते हैं और वहीं छोड़ देते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अगर आप कमेंट कर इसकी डिमांड करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।